लैम्स और अच्छे फिगर्स, सभी अंश राशि को चाहिए। हेल्थ फिटनेस और अच्छे फिगर्स के लिए बहुत तरह की एक्सरसाइज करते हैं लोग, बहुत तरह की डाइट खाते हैं, बहुत तरह की लाइफस्टाइल अपनाते हैं। योगिक लाइफस्टाइल सबसे बेहतर है अच्छी हेल्थ, फिटनेस और अच्छे फिगर्स के लिए। हमारे पूर्वजों ने हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों से हेल्थ, फिटनेस और फिगर्स के ये हमें कुछ गूढ़ मंत्र दिए। आज उसी सीक्रेट नॉलेज को मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। सबसे पहले हम 8 बैठक करेंगे, फिर 12 दंड, फिर 12 सूर्य नमस्कार, 12 योगिक जॉगिंग के अभ्यास और अंत में हम 12 आसनों का पैकेज आपको देते हैं। ये योगाभ्यास का एक बहुत ही ज़बरदस्त, साइंटिफिक, ऑथेंटिक और इफ़ेक्टिव पैकेज है। तो सबसे पहले चलिए आपको हम कराते हैं बैठक 8, फिर 12 दंड, फिर 12 सूर्य नमस्कार, 12 योगिक जॉगिंग के पोज और फिर 12 आसन। मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी बहुत रिसर्च हुआ है एक्सरसाइज के ऊपर। सभी की मान्यता है कि 20 मिनट के लिए भी यदि बहुत तेज़ी से व्यायाम कर लिया जाए तो ज़िंदगी भर के लिए हम डिजीज़ फ्री, स्ट्रेस फ्री, हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्परस, पीसफुल, डिवाइन लाइफ जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक अभ्यास को पहले हम एक एक दो बार करेंगे। उन्हीं अभ्यासों को आप फिर 5 से 10 बार तक कर सकते हैं। जैसे ये पहला अभ्यास है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, फिर ये दूसरा अभ्यास है, इस तरह से सामने गए फिर वापस आ गए। ऐसे इस अभ्यास को आप 5 बार 10 बार कर सकते हैं। तीसरा अभ्यास है, दोनों हाथ सामने, धीरे धीरे नीचे जाते हैं। एक श्वास में एक अभ्यास पूरा होता है। वापस आ जाते, ये श्वास लेते यही छोड़ते हैं। ऐसे मैंने आपको 2 बार बताया, ऐसे 5 से 10 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं। अर्ध बैठक, पूर्ण बैठक, राममूर्ति बैठक के बाद अगला अभ्यास है, इसको पहलवानी बैठक बोलते हैं। लंबा गहरा सांस भर के एक छलांग लगाते हैं, आगे जाते हैं और इस तरह से दोनों हाथ छाती के बराबर होते हैं, सामने मुट्ठियाँ बंद होती हैं और कुल्ली एड़ियों से थोड़ा ऊपर होते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। इसको यदि तेज़ी से करते हैं तो ऐसे चार अभ्यास होंगे। 5वां अभ्यास, सीधे बैठते हैं 3 बार, फिर खड़े हो जाते हैं। मैं आपको 2-3 बार करके बता रहा हूँ, ऐसे 5 से 10 बार एक एक अभ्यास को आप कर सकते हैं। तो पहलवान बैठक है दूसरा अभ्यास था। 5 अभ्यासों के बाद 6, 7, 8 ये 3 अभ्यास, इनका नाम ऐसे हमारी परंपरा में हनुमान बैठक दिया जाता है। हनुमान जी फिजिकल फिटनेस के बहुत बड़े रोल मॉडल हैं, आइकॉन हैं, तो उन्हीं के नाम से इसका नामकरण हो गया। तो अर्ध बैठक, पौन बैठक, राममूर्ति बैठक, पहलवानी बैठक के बाद ये हनुमान बैठक के 3 अभ्यास में 8 अभ्यास हो जाते हैं। इस अभ्यास के लिए दोनों हाथ सामने होते हैं, दाहिने पैर पर ऐसे धीरे धीरे बैठते हैं, बाएं पैर सीधा होता है और ऐसे बैठ जाते हैं। इस तरह से दूसरी तरफ से, इस तरह से। 7वां अभ्यास है, दाहिने पैर पर ऐसे बैठे, लंबा गहरा सांस भरे, एक श्वास में एक अभ्यास, फिर दूसरी ओर से। संतुलन बनाना पड़ेगा आपको पैरों का। ये 8 बैठक कही जाती है। भारतीय परंपरागत व्यायाम के अंतर्गत ये एंसेंट एक्सरसाइज की बात है, साइंटिफिक प्रैक्टिस है। अब आपको हम 12 दंडों का अभ्यास बताते हैं। ये इसकी तैयारी होती है, ये विश्राम की स्थिति होती है। तो ये इस स्थिति से प्रारंभ करते हैं, दोनों पैर पीछे पास में चले जाते हैं, अंगूठे के पास अंगूठा, एड़ी एड़ी से मिली हुई, दोनों घुटने सीधे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर ये एक की स्थिति यहाँ है, फिर दो में ऊपर गए, फिर 3 में वापस आ गए। तो ये पहली स्थिति, पहला अभ्यास हुआ है। अब दूसरे अभ्यास में हम धीरे धीरे नीचे जाते हैं, फिर ऊपर उठते हैं और फिर वैसे ही वापस आ जाते हैं जैसे नीचे से गए थे, उसी तरह से एक सांस में एक अभ्यास ऐसे। एक अभ्यास को 2-3 बार से प्रारंभ करें, 5-10 बार प्रतिदिन आप कर सकते हैं और इससे अपने शरीर को अत्यंत बलवान बना सकते हैं। तीसरा अभ्यास है वक्ष विकासक दंड। भुजाओं को और सीने को मजबूत बनाने के लिए नीचे पूरे गए, ऊपर पूरे उठे, ऐसे एक जैसी शरीर की स्थिति। और वक्ष विकासक दंड के बाद चौथा अभ्यास है हनुमान दंड। मैंने कहा था हनुमान जी फिजिकल फिटनेस के बहुत बड़े रोल मॉडल, आइकॉन, आदर्श हैं। लंबा गहरा श्वास भरा, दाहिना पैर आगे लेके आए, ऐसे झुक गए, ऊपर उठे, वापस आ गए। इसको कोई तेजी से करना चाहे तो अभ्यास के बाद ऐसा हो पाएगा। और हनुमान दंड के बाद वृश्चिक दंड के 2 अभ्यास होते हैं। दोनों पैर पीछे पास में, पीछे से पैर उठाए, आगे से झुक गए और फिर वापस उठे और ऐसे वापस आ गए। एक श्वास में एक अभ्यास का एक क्रम रहता है। पैर से ऊपर उठाते हैं, इसको अपोजिट साइड में ऐसे टिका देते हैं, सामने से झुक जाते हैं, फिर वापस आते हैं धीरे धीरे। हर एक अभ्यास 5 से 10 बार कर सकते हैं, 1-2 बार से प्रारंभ करें। 500 दंड। पैर ऐसे साइड में चला गया, आगे झुक गए, फिर उठे और वापस आ गए। पांचवें दंड के बाद चक्रदंड। हर एंगल से बॉडी का एक्सरसाइज है। जैसे शरीर के पोषण के लिए डिफरेंट न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस, विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, प्रोटीन, सब तरह के पोषण की आवश्यकता है। अच्छा आहार लिया जाए और अच्छा व्यायाम किया जाए, माने कंप्लीट फूड, बैलेंस फूड, कंप्लीट एंड बैलेंस एक्सरसाइज, ये दोनों हो तो आपका शरीर बहुत ही अच्छा होगा। पार्श्व दंड के बाद ही चक्रदंड है। साइड में पैर होता है, सामने से फिर पैर ऐसे लगते हैं, फिर ऐसे इस तरह से दूसरी तरफ से आगे। तो सामने जब पैर आएगा तो हाथ उठ जाएंगे, पैर पीछे चले जाएंगे। इसको तेजी से ऐसे कर सकते हैं। अभ्यास से ऐसा चक्र दंड के बाद पलट दंड होती है और थोड़ी कठिन होती है। अब इसमें साधारण दंड ऐसे लगा के और पैरों को यूं फेंक दिया और फिर वापस उसी स्थिति में आ जाते हैं। तो 2-3 बार से प्रारंभ करके इसको 5-10 बार कर सकते हैं। और प्रणदंड के बाद ये सिर दंड होती है। दोनों हाथों पर शरीर का संतुलन बनाते हैं, पैर उछालेंगे, थोड़ा गर्दन को आगे निकालेंगे। प्रारंभ में थोड़ा असुविधा होगी, अभ्यास के बाद प्रैक्टिस हो जाती है। ऐसे धीरे धीरे संतुलन बनने लगता है और ऐसे आ जाते हैं। ये शेर दंड कही जाते हैं। फिर सर्पदंड। तीन दंड लगाए। और 12वें दंड का नाम मिश्र दंड। दंड और बैठक एक साथ हो जाते हैं। पूरे शरीर का पूरा व्यायाम। एक श्वास में एक अभ्यास। इसको मध्यम गति से अथवा तीव्र गति से भी कर सकते हैं। ये तो धीमी गति से हो गया। ये थोड़ा मध्यम गति से और इस तरह से तीव्र गति से कर सकते हैं। एक श्वास में जब एक अभ्यास करते हैं तो 10 मिनट में पूरे शरीर से पसीना चूने लगेगा। हाथ पैर पीठ पूरे शरीर का हर एंगल से पूरा व्यायाम हो जाता है। साइंटिफिक, कंप्लीट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज हेल्थ, फिटनेस और अच्छे फिगर्स के लिए। फिर अगला सर्वांगीण व्यायाम है सूर्य नमस्कार। एक सांस में एक अभ्यास। आगे झुकते हैं तो सांस बाहर, पीछे झुकते हैं तो सांस अंदर। इसको सामान्य गति से, मध्यम गति से अथवा तीव्र गति से भी कर सकते हैं। पाँच 10 से लेकर के 25-50 कुछ तो लोग 100-100 राउंड करते हैं सूर्य नमस्कार के। इसके बाद योगिक जॉगिंग के 12 हैं पोज। ये भी बहुत अच्छा है। ये पहला अभ्यास, ये दूसरा अभ्यास, ये तीसरा अभ्यास। इसको तेजी से किया जाए जैसे हो जाता है। और ये चौथा अभ्यास, ये पांचवा अभ्यास और ये छठा अभ्यास। ये अभ्यास हमने आपको सबसे पहले बैठक में भी करवाया था। और ये 7वां अभ्यास। ये 8वां अभ्यास और ये 9वां अभ्यास। ये 10वां अभ्यास। ये 11वां अभ्यास। इसको तो 10, 20, 25, 50, 100 बार तक कर सकते हैं। और ये 12वां अभ्यास। बैठक, 12 दंड, 12 सूर्य नमस्कार के अभ्यास और 12 योगिक जोगिंग के अभ्यासों के बाद आपको कुछ आसन कराते हैं। आसन आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। सब आसनों में उत्तम आसन माना जाता है शीर्षासन को। शीर्षासन माने सब आसनों के शीर्ष पर है। ये सबसे मुख्य आसन है। संपूर्ण शरीर के आरोग्य के लिए बहुत उत्तम आसन है। इसमें पूरे शरीर के भार को संतुलित कर देते हैं। सिर पर प्रारंभ में दीवार के साथ कर सकते हैं, बाद में बिना दीवार के भी कर सकते हैं। हर एक आसन और व्यायाम का समय है 1-2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक एक एक योगासन और व्यायाम को कर सकते हैं। ये शीर्षासन है। शीर्षासन में ऐसे पद्मासन भी कर लिया जाता है, इसको कह देते हैं शीर्ष पद्मासन। यंगस्टर्स के लिए शीर्षासन और लेट करके सर्वांगासन। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, एड़ी से एड़ी लगी हुई, अंगूठे से अंगूठा लगा हुआ और दोनों हाथ कमर के पीछे, ऐसे शरीर के भार को संतुलित करते हैं। श्वासों की गति सामान्य होती है। 1-2 मिनट से प्रारंभ करके शीर्षासन, सर्वांगासन आदि 5-5 मिनट तक किए जा सकते हैं। फिर हलासन, पैरों को धीरे धीरे सिर के पीछे टिका देते हैं, दोनों हाथ के थैलियाँ जमीन की ओर, घुटने सीधे होते हैं और इस स्थिति में 1-2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक रह सकते हैं। और फिर चक्रासन। दोनों हाथ साइड से ऊपर उठा लेते हैं, आगे झुक जाते हैं और माथा घुटनों से लगा देते हैं। पहले उंगली से, अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं। और इसके बाद 7 आसन और खास बताते हैं। दाहिने पैर को बाएं पर रखा, बाएं को दाहिने पर रख दिया। ये ऐसे पद्मासन होता है और इसमें शरीर को ऊपर उठा देते हैं और 1 से 2 मिनट उठा करके रोक के रखना। पूरे शरीर से पसीना चुभने लगेगा, पूरे शरीर में ताकत आएगी, डाइजेशन पावर बहुत अच्छी हो जाएगी और शरीर में बल बढ़ेगा। उत्थित पद्मासन, श्वास भर के। इसी स्थिति में 1 से 2 मिनट रुकना। 10-15 मिनट तो आप आसानी से रुक जाते हैं, लेकिन जैसे आधा मिनट होने लगता है तो पसीना चढ़ने लगता है। 1 मिनट में तो पूरा शरीर कांपने लगेगा आपका। और ऐसे आप 2 मिनट तक ही अभ्यास कर सकते हैं। और इसके बाद आपको कुछ खास अभ्यास खड़े होकर के बताते हैं। दोनों हाथ सिर पर रख लेते हैं, शरीर को ऊपर की ओर तान देते हैं, हथेलियाँ ऊपर की ओर हो जाती हैं। ये बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ऊर्ध्वाधर। फिर तिर्यक ताड़ासन। पश्चिमोत्तानासन, जैसे बैठ करके किया जाता है ऐसे खड़े होकर के पाद हस्तासन, बॉडी के बैलेंस के। शरीर, इंद्रियों, मन का संतुलन, समग्रता और समष्टि के साथ समाहितता, एक रूपता योग से आती है। इसमें मदद करता है गरुड़ासन। दाहिने पैर में बाएं पैर को ऐसे फंसा लेते हैं और बाएं हाथ में दाएं हाथ को इस तरह से। ऐसे ही बाएं पैर में दाहिने पैर को फंसा देते हैं। प्रारंभ में थोड़ी सी असुविधा होगी, अभ्यास के बाद हो जाएगी, इससे मन की एकाग्रता भी बढ़ेगी। और बहुत सरल है वृक्षासन। इसे तुम हाथ साइड से ऊपर ला सकते हो, दोनों हाथ सामने से भी, ध्रुवासन से भी ऊपर ला सकते हैं वृक्षासन। ये तो हमने आपको बताया आठ बैठक, 12 दंड, 12 सूर्य नमस्कार, 12 योगिक जोगिंग के अभ्यास और 12 आसन का खास अभ्यास। ऐसी यंगस्टर्स प्राणायाम अवश्य करें। एक्सरसाइज से हमारा हार्डवेयर अच्छा होता है, प्राणायाम और ध्यान से हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा होता है। व्यायाम से हमें बाह्य शक्ति मिलती है, आसनों से भौतिक शक्ति मिलती है, प्राणायाम और ध्यान से हमें आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। तो प्राणायामों में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 5 प्राणायाम तो सभी यंगस्टर्स को करने चाहिए। भस्त्रिका, यंगस्टर्स तेजी से कर सकते हैं, ऐसी कपालभाति, ये यंगस्टर्स के लिए है तेजी से। जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी विशेष है, उनको धीरे धीरे करना चाहिए। ये 5 से 10 मिनट कर सकते हैं कपालभाति, अनुलोम विलोम। 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ हमारे शरीर में, 5 कोश हैं, 5 प्राण हैं, 5 उपप्राण हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, अंतःकरण चतुष्टय है। एक एक स्टेम सेल, सेल टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरा जो सिस्टम है, चाहे वो वॉलेंट्री सिस्टम है, चाहे ऑटोनॉमिक सिस्टम है, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेकर के एक्सक्रीटरी, सस्क्रीशन, सेपरेटरी, रेस्पिरेटरी, इंडक्टाइन सिस्टम, पूरे सिस्टम को संतुलित कर देता है अनुलोम विलोम। स्ट्रेस को भी बैलेंस कर देता है, ब्रेन को शार्प कर देता है। आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव, इनोवेटिव आपको होना है तो बहुत ज़रूरी है प्राणायाम। ये अनुलोम विलोम ऐसे कम से कम 5 मिनट अवश्य करना चाहिए। फिर 3 से 5 बार भ्रामरी, 3 से 5 बार उद्गीत। पहले अंगुली माथे पर, शीश, 3 अंगुली आँखों पर, कान अंगूठे से बंद भ्रामरी प्राणायाम। मुख बंद करके नासिका से ओंकार का नाद होगा। ऐसे 3 से 5 बार कम से कम ये भ्रामरी, फिर उद्गीत। ओ तीन से पाँच बार उद्गीत प्राणायाम कीजिए। थोड़ी देर श्वासों पर ध्यान कीजिए और अपनी मूल चेतना में, अपनी मूल प्रकृति में, अपने मूल स्वरूप में, अपने मूल स्वभाव में थोड़ी देर जीने का अभ्यास कीजिए। मैं अजर, अमर, नित्य अविनाशी आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सुखमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं सब प्रकार से पूर्ण हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ। इस जगत में दिव्यता फैलाने के लिए चारों ओर स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति और भगवान का ऐश्वर्य फैलाने के लिए मैं धरती पर आया हूँ। इस भाव चेतना के साथ यदि जवान जिएंगे तो उनका जीवन उनकी जवानी बहुत ही सुंदर होगी। ऐसे योगाभ्यास रोज़ कीजिए और हेल्थ, फिटनेस और अच्छे फिगर्स पाइए योग के द्वारा। Welcome to Heartfulness Meditation. Please approach this meditation with an attitude of openness to fresh experience. Heartfulness meditation is aided by a very subtle transformative energy called pranahuti or transmission. Choose a place where you can meditate without being distracted. Turn off your phone or any device that may disturb you. Make sure you're sitting comfortably. You can sit cross-legged or in a chair. Let your hands rest in your lap, loosely clasped. Let your eyes be closed gently. Let your back be upright but not rigid. Feel free to change your posture during meditation if you feel uncomfortable. We will begin with the simple practice of heartfulness relaxation. Once you feel relaxed, you will be guided into the heartfulness meditation. We will all meditate together in silence, so we may feel the peace that surfaces when we turn our attention inward and dive deep into our hearts. Through the heart, we find unity. Through the heart, we create a feeling of well-being. First, relax. Close your eyes very gently, very softly. We will begin with our toes. Move your toes. Relax them. Imagine the soothing, healing energy from the earth moving up into your feet, slowly relaxing them. Feel it relax your toes, the soles of your feet, your ankles. As this energy moves upwards, relax your calves, relax your knees. Feel it relax each and every muscle in your thighs deeply. Feel both your legs becoming totally relaxed. Relax your stomach, your waist, your hips. Let go of any tension or stress you may be holding there, and relax. Allow your back to soften. From your tailbone to your shoulders, feel your entire back relaxing. Relax your chest. Relax your shoulders. Let this healing energy from the earth melt away any tension or stress you may be holding on your shoulders. Feel your shoulders melt away and relax. As this energy moves down your arms, relax them. Feel it relax your upper arms, your elbows, your forearms, your wrists, your hands. Let the energy flow out of your fingertips, leaving both your arms deeply relaxed. Relax all the muscles in your neck. Bring your awareness to your face and relax it. Feel the healing energy from the earth. Relax your jaws, your mouth, your lips. Feel your ears relax. Breathe normally. Relax your nose. Keep your eyes softly closed. Relax them. Relax your forehead. Feel all the tension, stress, and anxiety there simply melt away. As this healing energy from the earth moves further upwards, relax your entire head all the way to the base of your skull. Feel now how your whole body is totally relaxed. Take a moment, scan your system from top to toe. And if there is any part of your body that is still tense, painful, or unwell, feel it being immersed in the healing energy of the earth for a little while longer. When you're ready, move your attention to your heart. Rest there for a little while. Feel immersed in the love and light in your heart. Now, we will meditate together. Make a suggestion that the source of divine light that is already present inside your heart is attracting your attention towards it. Gently relax into that feeling. Let it be a very light suggestion, without force or concentration. If you find your awareness drifting to other thoughts, do not fight them, but also do not entertain them. Let them be like clouds passing in the sky. Gently remind yourself that you're meditating on the source of divine light in your heart. Be open and receptive to the transmission that will be flowing into you. Allow your awareness to melt into your heart. Remain absorbed within your heart until you hear the meditation has ended. Please start meditation. That's all. Keep your eyes closed for a little while longer and tune in to how you feel. Absorb all the peace that you have experienced. Now, imagine that this peace is expanding outward to everyone, uniting everything around you, and is encircling the world. When you open your eyes, take the time to enjoy the experience. You can write your experience in a journal. It will help you to develop awareness and observation. We thank you for expanding this feeling of peace, unity, and well-being around the world.